इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली लाइफ में काम आने वाले 3 DIY विद नेट फैब्रिक। तो ये मैंने नेट का कपड़ा ले लिया है, आप किसी भी टाइप का नेट यहाँ पे ले सकते हैं, चुन्नी का नेट भी ले सकते हैं या कोई भी आपके पास नेट फैब्रिक अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम 20x12 इंच का एक पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इसलिए मैं 10 इंच ले रही हूँ एक साइड से और इसको हम काट लेंगे। ये फैब्रिक ये देखिए मैंने इसको काट लिया है और अब हम इसका एक हिस्सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तीनों DIY बड़े ही इजी और यूज़फुल हैं, डेली लाइफ में आपको बड़े काम आने वाले ये DIY हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये इस पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर वाले हिस्से को छोड़ के और दोनों साइड से भी हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड से इस पे सिलाई लग गई है और जो ऊपर वाला साइड था उस पे मैंने फोल्ड किया था। अब हम इसे अंदर की तरफ से पलट लेंगे और ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट DIY रेडी हो गया है। और एक हम सेफ्टी पिन लेंगे और इसके अंदर एक डोरी को इंसर्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास डोरी अवेलेबल नहीं है तो आप 1x20 इंच की एक डोरी को सील लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला जो DIY है वो रेडी हो गया है। इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल हम वॉशिंग मशीन के लिए करेंगे। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे और ये बड़े ही काम आने वाला DIY है। ये देखिए ये रेडी टू यूज़ है। इस तरह से हमारे पास जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, हैंकी होते हैं, सॉक्स होती हैं, उनको हम इसके अंदर से इस तरह से डाल के और ऊपर से इसको एक गांठ लगा देंगे और इसको अब वॉशिंग मशीन में डाल के इजीली वॉश कर लेंगे। ये है हमारा सेकंड DIY। तो इसमें भी मैंने 18x12 इंच का एक पीस को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब हम नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसका हाफ 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे, फिर कोई भी आपके पास गिलास या कटोरी कुछ भी अवेलेबल हो उसकी हेल्प से इस निशान के बीचों बीच इसको हम रख देंगे और फिर इसको निशान लगा के फिर यहाँ से हम बीच से थोड़ा सा कट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको सर्कल में हम काट लेंगे। और अब इसको नाप लेंगे कि हमें इसके लिए कितनी पट्टी चाहिए है। तो ये है 12 इंच का, तो इसमें से हम एक पट्टी निकाल लेंगे 1.5x12 इंच की और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको बीचों बीच रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और इसको नेट फैब्रिक को बीच में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये DIY अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए पूरा सिलाई लगा ली है और अब हम इसको कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए और इसके ऊपर सीधी सिलाई एक हम लगा लेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए नेट फैब्रिक को और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर वाले हिस्से को भी फोल्ड करके हम इसे इस तरह से तुरपाई की तरह से तुरप लेंगे। अब इसके जो नीचे वाला हिस्सा है
जहाँ पे हमने ये होल किया था, तो उसमें अब हम इसको बीचों बीच रखते हुए एक पट्टी यहाँ पे भी लगा लेंगे। और इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और बीच में हम नेट फैब्रिक को लगाएंगे और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये इस पर सिलाई लग गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में एक 5 to 6 इंच की एक पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से, इसको हुक की तरह से हम लगा देंगे, इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। और ये हमारा सेकंड DIY रेडी हो गया है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उसमें हम जो हमारे पास प्लास्टिक बैग या थैली या कोई भी ऐसा सामान होता है किचन का, उसमें हम डाल सकते हैं और इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखिए जब हमें ज़रूरत हो तब हम यहाँ से इसमें निकाल लेंगे और ऊपर से इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। अब ये रेडी टू यूज़ है। ये है थर्ड DIY। तो इसके लिए भी मैंने एक पीस कट कर लिया है और ये पीस लिया है मैंने 20x19 इंच का, और इसमें हमें गैदर्स डालने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से, किस ट्रिक से हम इसमें गैदर्स डालते हैं। सबसे पहले हम सिलाई का एक ये धागा है इसको हम पीछे की तरफ लंबा खींच लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ से एक धागे को पकड़ के खींच लेंगे। इससे क्या है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे खींचेंगे, ज़ोर से हमें नहीं खींचना है, इससे जो बीच का फैब्रिक है वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर हमें एकदम अच्छे से गैदर्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा ली है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दोनों किनारों को पकड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बीच में 5 से 6 इंच की सिलाई हम स्किप करेंगे, नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखना, इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। बीच में थोड़ा सा स्पेस देके हमें फिर उसके बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने कुछ हिस्सा इसका बीच में छोड़ लिया था और इसको भी हम अब पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर जो हिस्सा है उस पर हम एक हुक लगाएंगे और इसी तरह से उसमें भी 5 से 6 इंच की पट्टी को काटेंगे और फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसका हुक हम रेडी कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और इसके बाद एक कार्डबोर्ड लेंगे, कोई भी गत्ता या किसी भी चीज़ का हार्ड कार्डबोर्ड आपके पास है तो उसमें 5x5 इंच का हम कार्डबोर्ड ले लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। और इस कार्डबोर्ड का इस्तेमाल हम इस DIY में इस्तेमाल करने के लिए करेंगे। ये देखिए 5x5 इंच का मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस कार्डबोर्ड को डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कपड़ा लगा के तब भी डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। और जब हम इसे वॉश करेंगे तब इस कार्डबोर्ड को निकाल लेंगे और फिर इजीली इसे हम वॉश कर देंगे। और ये जो DIY है वो हमारे जो किचन के टॉवल होते हैं या किचन के जो फैब्रिक होते हैं उसको फोल्ड करके रखने के लिए एकदम अच्छे से इस्तेमाल हम इसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें किचन के टॉवल रखूँगी, जो हमारे पास साफ किचन के टॉवल होते हैं जिनको वॉश करके हम रखते हैं और यहाँ से निकाल के हम इजीली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।